यूक्रेन और वेस्ट पुतिन को सत्ता से हटाना चाहते हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूस के सरहदी इलाके में कब्जा चाहता है यूक्रेन, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूस के सरहदी इलाके में कब्जा चाहता है यूक्रेन। फिर वेल्यूकी और शेबिंकिनो में हमले का प्लान था, यह जानकारी है। यूक्रेनी फोर्सेस को रूसी जमीन पर उतारने से रोकना होगा, बिना देरी मॉस्को कीव पर न्यूक्लियर अटैक करें। रशिया वन नेटवर्क पर भड़काने वाली डिबेट आई है। पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट लियोनिड रश्तनिकोव का यह बयान आया है। इस सब के बीच में आपको सुनाते हैं कि रूस की मीडिया में आखिर किस तरह से क्रेमलिन को भड़काने का खेल चल रहा है, किस तरह से कीव पर न्यूक्लियर अटैक कर देने के लिए उकसाया जा रहा है। सवाल, क्या वक्त आ गया है कि हम कीव पर न्यूक्लियर हमला करें? इसका जवाब क्या मिला? हम ऐसा करने से अभी तक हिचकिचा रहे। सवाल यह आया कि शायद अब हिचकिचाने का वक्त नहीं है। जवाब आया, शायद अब समय आ चुका है। इस सब के बीच में रूस की मीडिया अपनी सरकार और सेना को भड़का रही है। अमेरिका रूस के न्यूक्लियर प्लान को लेकर डरा हुआ है। अमेरिका को लगता है कि रूस ऐसा कर सकता है, तो सवाल यह है कि क्या एक ही वक्त पर उठी इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन है? न्यूक्लियर हमले को लेकर संकेत हाल के दिनों में और क्या क्या मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखें। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक बहस तेज है। रूसी मीडिया में डिबेट चल रही है कि क्रेमलिन को कीव में न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ी है। उसे लगता है कि पुतिन लगातार जंग में पिछड़ते रहे तो ऐसा खौफनाक कदम उठा सकते हैं। सवाल है कि क्या वाकई पुतिन जंग जीतने के लिए ऐसा फैसला लेंगे? सीधा जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन बीते कई दिनों से जो संकेत मिल रहे हैं वो इस ओर इशारा जरूर करते हैं। पहला संकेत, अंकारा में CIA चीफ की रूसी समकक्ष से मुलाकात। रूस को न्यूक्लियर हमला न करने की चेतावनी दी थी। ये इसी महीने की बात है जब दुनिया को चौंकाते हुए खबर आई थी कि तुर्की की राजधानी अंकारा में सीक्रेट तरीके से रूस और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने आपस में मुलाकात की, और CIA चीफ विलियम बर्न्स ने इसी सीक्रेट मीटिंग में रूस को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करने की वार्निंग दी। तो समझने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका का ताजा डर और CIA चीफ की रूस को दी गई वार्निंग क्या एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? दूसरा संकेत, जर्मन चांसलर की रूस को डायरेक्ट वार्निंग, यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल न करे रूस। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी इसी महीने रूस को ऐसी वार्निंग दी थी, और उनके अलावा तीसरा संकेत खुद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ओर से मिला था, जब उन्होंने भी इसी महीने रूस को किसी भी कीमत पर यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है कि एक साथ दो दो सुपर पावर मुल्क रूस के ऐसे कदम को लेकर आशंकित क्यों हैं? इसमें भी चीन की चिंता इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि चीन रूस के बेहद करीब है, और जिनपिंग के अलावा चीनी प्रीमियर ने भी रूस को ऐसा न करने की सलाह दी थी। तीसरा संकेत, चीन के PM का G20 के दौरान बयान, रूस को एटमी हमला करने से बचना चाहिए। तो क्या चीन, फ्रांस और अमेरिका के इंटेलिजेंस को रूस के न्यूक्लियर प्लान के बारे में कुछ ठोस मालूम चला है जिससे दुनिया अब तक अनजान है? और अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ऑल आउट वॉर को लेकर पुतिन के इरादे बेहद खतरनाक हो चले हैं, जिसके बाद दुनिया जंग में रूस की ओर से किसी भी पल विनाशक पिक्चर देख सकती है।